हेलो नमस्ते एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े नोशन की जो सबको लगता है कि अगर हम एक टाइम टेबल बना लेंगे कि मैं इतने बजे उठूंगा मैं इतने बजे खाऊंगा मैं इतने बजे पढ़ाई करने बैठूंगा एंड वो टाइम टेबल फॉलो करके आपको लगता है कि आप सही में भी बोर्ड में नाइन्टी फाइव मार्क्स ले आओगे सो अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ सिर्फ एक मिथ है कि अगर आप खुद को इतना बांध दोगे कि मैं इतने बजे ही उठूँगा मैं इतने बजे ही सोऊंगा इतना ही पढ़ूँगा वो काम नहीं करेगा सो so, यार मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बट अगर आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू अलग है तो कमेंट में जरूर बताना अब सबसे पहली चीज कि हम लोग बड़ी क्लास में हैं हम लोग एक छोटी क्लास में नहीं हैं, विच क्लियरली टेल्स कि हमारे पास खुद की कहीं ना कहीं मर्जी भी होती है पढ़ाई करने के लिए एंड कभी ऐसे भी डेज होते हैं जब हम रेगुलरली नहीं पढ़ पा रहे कभी ऐसे भी डेज होते हैं जब हम ज्यादा पुल कर लेते हैं सो टाइम टेबल फॉर्मेशन डज नॉट वर्क फॉर एवरीबडी ये किसी के लिए काम करेगा बट हर बच्चे के लिए ये काम नहीं करेगा अब आप लोग क्या कर सकते हो आप लोग सिर्फ खुद को रेगुलर टारगेट्स दे सकते हो कि मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है इतने बजे से इतने बजे तक करनी है इतनी ड्यूरेशन में करनी है एंड इतना सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम टेबल फॉर्मेशन हेल्प नहीं करेगी क्योंकि कभी आप स्कूल जाते हो कभी आप स्कूल नहीं भी जाते हो सो so यहाँ अब क्या बात आती है जो आपको जेनवनली हेल्प करेगी सिलेबस कैरी करने में सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि देर इज़ नथिंग लाइक मोटिवेशन मोटिवेशन सिर्फ एक दिन रहेगा जो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट अचीव करवाएगा दैट इज़ योर कंसिस्टेंसी अगर तुम कंसिस्टेंट हो पढ़ाई को लेकर अगर तुमने जो खुद के लिए टारगेट सेट किए वो तुम अचीव कर are तभी तुम मार्क्स स्कोर कर पाओगे वरना ये सब वेस्ट में जाएगा एंड यहीं से बात आती है तुम्हारी कंसिस्टेंसी की जो तुम्हें आज से ही डालनी है अपनी पढ़ाई में अब टारगेट्स इतने बड़े सेट मत करो खुद के लिए बार बार मैं बोलती हूँ कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत सेट करो टारगेट्स उतने ही सेट करो जितने आप कंप्लीट कर पाओ तुम एक दिन सोचोगे कि यार मैं पूरी साइंस की बुक निपटा लूंगा सो दैट्स नॉट पॉसिबल साइंस का एक चैप्टर भी रोज निपटाना पॉसिबल नहीं है अगर आप इन डेप्थ में जाना चाह रहे हो एंड इस बार तो हमारे बोर्ड्स भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड ही होंगे ट वर्क फॉर यू अब बात वही आती है कि अगर आप छोटे छोटे टारगेट खुद के लिए सेट करते चलोगे तो आपके पास भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ यार आज मैंने जितना टारगेट खुद को दिया था उतना मैंने कम्पलीट किया जितना खुद को मैंने अलॉट किया उतना मैं कर पाया एंड आपकी एक्सपेक्टेशन खुद से भी सेटिसफाइड रहेंगी आप खुद से भी खुश रहोगे सो so, घुमा फिरा के बाद यही आ जाती है कि आप खुद को कैसा व्यू करते हो आप खुद को कैसा परसीव करते हो अगर आप सही टारगेट्स दोगे सही तरीके से उनको करोगे तो आपका मोटिवेशन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन सब अलाइन होगा एंड फिर तुम पहुंच पाओगे उस 90 टू 95 वाले ब्रैकेट में तो so ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे अगर आपके कुछ डिफरेंट है कमेंट करके बताओ वीडियोस आती रहेंगी तब तक के लिए स्टेट यूनियन हैप्पी लर्निंग।